हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड आज है 13 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, आज से हमारा एएफसी एशियन कप 2023 का जो जर्नी है वो स्टार्ट होगा। आज इंडियन फुटबॉल रीसेंट टाइम्स में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण मैच होने जा रहा है, दैट इज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन द कतार स्टेडियम। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा मैच होगा, तो ये मैच के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इगो स्टिमच एंड साथ ही साथ सहल आए थे एंड उन्होंने थोड़ी बातचीत की, तो उन्होंने क्या क्या उसके बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ पर एक और जो न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि भाई सहल हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन गेम। जी हाँ दोस्तों, वो ऑस्ट्रेलिया की गेम में नहीं रहेंगे। सो क्या है पूरी कहानी, बात करेंगे। बाकी के जो टॉपिक्स है वो ये है कि भाई यहाँ पर फॉर्मर कोच ऑफ दिल्ली डायनामोस एंड ओडिशा एफसी के जो कोच है वो यहाँ पर प्रीमियर लीग साइड के कोच बन चुके हैं। सो क्या है पूरी कहानी, बात करेंगे। एंड एक और जो चीज है, कल आज का जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो बहुत ही हिस्टोरिक होने वाला है, बिकॉज इट विल बी अ गुड हिस्टोरिक मोमेंट। तो ये पांचों टॉपिक्स के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे इस वाली वीडियो में। सो पहले बात करते हैं हमारे आज का सबसे महत्वपूर्ण मैच, दैट इज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। एंड सच बताओ यार, मतलब आई एम रियली फीलिंग एक्साइटेड। ऐसा नहीं लग रहा कि यार मतलब डर हो रहा है मेरे को। आई एम नॉट फीलिंग फियर कि यार ह्यूमिलेशन हो जाए, हम लोग हार जाएंगे। नहीं भाई, आई एम नॉट फीलिंग एनी फियर। मैं तो एक्साइटेड हूँ भाई इतने दिन से कि भाई कब वो मैच आएगा, कब इतने दिन आएगा, कब 5 बजे जब भी हम लोग साथ में देख पाएंगे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। क्यों मालूम है क्या? कि देखो, इंडियन फुटबॉल टीम कतार के इतने बड़े स्टेडियम में इन फ्रंट ऑफ द मतलब 40-50 के क्राउड होगा, 50,000 लोग हो गए उनके सामने, इतने बड़े स्टेडियम में इतने बड़े स्टेज पे आप खेलोगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल टीम जो कि वर्ल्ड कप लेवल टीम है, जो मेसी के साथ खेल के आई है। सो उनके साथ खेलने का तो मौका ही अलग हो जाएगा एंड इट विल बी ऑल टुगेदर गुड एक एक्सपीरियंस होगा हमारे प्लेयर्स के लिए। सो मैं तो एक्साइटेड हूं भाई, आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट। मैं देखूंगा मेरी इंडियन टीम को इरिस्पेक्टिव ऑफ द हारेंगे जीतेंगे, आई डोंट केयर, आई विल सपोर्ट अवर ब्लू टाइगर्स। एंड एक और जो हिस्टोरिक मोमेंट के बारे में बात कर रहा था वो ये कि भाई कल आज का जो मैच होने वाला है वो एक वुमेन्स रेफरी, जी आर फर्स्ट टाइम मेंस के एएफसी एशियन कप के हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा होगा कि भाई एक फीमेल रेफरी होगी जिसका नाम है भाई योशिमा यमाशिता, ठीक है। ये एक रेफरी होगी हमारे गेम को ऑफिशिएट करेगी, ठीक है। ऑब्वियसली हिस्टोरिक बात है भाई, हिस्टोरिक मोमेंट है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू सेलिब्रेट। बट मैं तो ये चाहता हूँ यार कुछ उल्टा उल्टा ना करें, मतलब कुछ अगेंस्ट ना हो जाए, या तो कुछ बायस डिसीजन ना दे जाए, एंड जितना हो सके अच्छा डिसीजन दे। एंड होपफुली अगर हमारे फेवर में तो बहुत ही अच्छी बात है, बट आई जस्ट वॉन्ट की बी फेयर और कुछ उल्टा उल्टा डिसीजन ना दे जिससे हमारा दिल दुख जाए, जैसे कि मलेशिया के गेम में हुआ था, तो वैसा तो मैं नहीं चाहता। तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट के बारे में बात करनी थी। बाकी एक और जो चीज है यहाँ पर, सहल भाई, जी दोस्तों, सहल और जो एक और मैच है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते एंड उन्होंने बात की थी भाई। देखो, अगर आप बात करोगे सहल के ऊपर, तो सहल ने खुद बोला कि आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि मैं जो कल का मैच है, मतलब आज का जो मैच है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का, वो मिस आउट करूंगा। और उन्होंने अपनी इंजरी के बारे में बोला कि इट्स नॉट अ मसल इंजरी, इट्स अ कॉन्टैक्ट इंजरी। तो अभी आई डोंट नो कि टेक्निकल टर्म्स क्या है, बट उन्होंने ये बोला कि मसल इंजरी नहीं है, कॉन्टैक्ट इंजरी है, और मैं ट्राई करूंगा कि भाई सेकेंड गेम में कैसे ना कैसे करके आ जाओ। सो आई डोंट नो कि सेकेंड गेम में आ पाएगा, इफ मे बी नेक्स्ट टू पॉसिबल कि वो बेंच पे हो सकता है, बट या पहला गेम मिस होगा। अभी इससे इम्पैक्ट आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा होगा। हाँ, उससे अगर सहल नहीं रहता हमारे बेंच पे तो अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम हो जाएगी। बाकी यार आई डोंट थिंक सो कि वो स्टार्ट करता, बिकॉज एक ऐसे गेम में ऑस्ट्रेलिया के जैसे ऐसे गेम में आपको डिफेंड करना ज्यादा जरूरी है। सो आई गेस सहल अगर रहते भी तो वो बेंच से आते लास्ट के 20-25 मिनट में। सो दैट्स द केस। और उन्होंने एक और स्टेटमेंट में एक और चीज बोली यार, डेफिनेटली ये जो 3 गेम्स है उसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग बेस्ट दे सके। और ऐसा भी चीज बोली कि भाई देखो, फ्यूचर। एंड 17-16 बंदे लोग भी जो है वो पहली बार खेलने वाले, तो उनके लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। दे विल बी डूइंग द रियलिटी चेक, उनको मालूम पड़ेगा कि एशिया के लेवल कैसा है, एशिया का जो फुटबॉल वहां का इंटेंसिटी कैसा है और हम कौन से इंटेंसिटी पे खेल रहे हैं। तो वो चीज उन्होंने बोली। एंड एक और चीज बोली कि यार देखो, राहुल केपी के ऊपर बोला कि राहुल केपी बेंच पे रहेंगे, तो राहुल केपी स्टार्ट नहीं करने वाले, लेकिन राहुल केपी बेंच होने वाले हैं इन टुडेज मैच। और एक और जो चीज है, जो प्रीव्यू लाइनअप, जो प्रीव्यू वाला वीडियो वो मैंने अपलोड कर दिया, तो आप चेकआउट कर सकते हो एंड डू शेयर आपके प्रेडिक्शन वाले वीडियो में भी। एंड ये ऐसा मोटा मोटी बोला। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और चीज ये कंफर्म हो चुकी है भाई, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इगो स्टिमच के साथ कोई भी जो जाता है वो उसका मतलब समझ जाने कि भाई वो जो मैच है, जो मैच होने वाला नेक्स्ट डे, वो नहीं खेलेगा। तो भाई वैसे हुआ, सहल नहीं खेलने वाला है। तो अभी आप समझ जाओ कि जो भी इगो स्टिमच के साथ जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपना नेक्स्ट मैच नहीं खेलने वाला है। बट ये तो होगी
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो चुकी एंड मैं सच बता रहा हूँ भाई, आई एम रियली रियली एक्साइटेड, आई जस्ट कांट वेट कि कब 5 बजे कब लोग मैच देखे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स विल बी गेटिंग बिहाइंड अवर ब्लू टाइगर्स एंड लेट्स होप कि कुछ मिरेकल हो जाए आज के दिन पे, तो मजा ही आ जाएगा। बाकी बाकी के बारे में बात करेंगे, जो दो टॉपिक्स है, ये हेड कोच जो अपने दिल्ली डायनामिक्स और जो ओडिशा एफसी के जो हेड कोच थे अपने जो जोसेफ गैम्बू करके, आपको पता रहेगा, तो वो भाई अपने प्रीमियर लीग साइड एस्टन विला के अंडर 21 के टीम के कोच हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, प्रीमियर लीग साइड एस्टन विला हम सबको देखिए कितना अच्छा कर रही है वो टेबल पे प्रीमियर लीग में, तो उनका जो अंडर 21 है तो उसके कोच हमारे जो फॉर्मर दिल्ली डायनामिक्स एंड ओडिशा एफसी के जो कोच है वो बन चुके हैं क्या दोस्तों, जोसेफ गैम्बू, एंड वो कोच करने वाले अंडर 21 टीम ऑफ एस्टन विला। तो ये जस्ट एक न्यूज था कि हाँ भाई आईएसएल में खेला हुआ कोच अब वो प्रीमियर लीग साइड को कोच करेगा। तो यस यार, यही टॉपिक्स से हमने डिस्कस किया, एंड एक और जो चीज है भाई, अगर आप बात करें लेटेस्ट न्यूज है कि दूरदर्शन स्पोर्ट्स, जी हां दोस्तों, डीडी स्पोर्ट्स हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के मैचेस को स्ट्रीम करेगा, साथ ही साथ ओनली सेमीफाइनल एंड फाइनल, तो फाइनल सेमीफाइनल और इंडियन फुटबॉल टीम के जो मैचेस होंगे तो वो स्ट्रीम करेंगे डीडी स्पोर्ट्स, तो डीडी स्पोर्ट्स पे भी आप देख सकते हो इंडियन फुटबॉल टीम के मैचेस। एंड ये बस ये था यार आज का वीडियो, एक छोटा अपडेट वाला वीडियो था। डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन आप क्या सोचते हो ये पांचों टॉपिक्स के ऊपर, और आप कितने एक्साइटेड हो, आप नर्वस हो या डर रहे हो, या आर यू आप मेरे जैसे कि आई एम फुल्ली एक्साइटेड फॉर टू ऑस्ट्रेलिया टू वॉच इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन एंड यस, मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, एंड इसी तरह हमले फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।